कांग्रेस तीन दड़ों में बंटी नजर आ रही है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत दिल्ली की परिक्रमा करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, राजस्थान को इन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया। उस हिसाब से आने वाले 5 साल में राजस्थान प्रमुख स्थान पर रहेगा, बिजली का निर्यात करेगा, बेचेगा बिजली। तो हमारी मांग रहेगी कि मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। मिला भगत का खेल है, पहले वसुंधरा ने गहलोत के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला और अब गहलोत वसुंधरा को बंगला देके और उसको वो पूरा करेंगे, भाई हम मिले जुले। आज हमारे साथ है नागौर के सांसद और RLP पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल। आइए इनसे जानते हैं कि वर्तमान की जो राजनीति और देश के हालात है, इस पर इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे देश में जो हालात चल रहे हैं? देखिए, देश के अंदर तो हालात मेरे हिसाब से ठीक है, कोई ख़राब हालात नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो राजनीति है उसके अंदर निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया जा रहा, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और विधानसभा का जो सत्र चल रहा है इसमें कांग्रेस तीन दड़ों में बंटी नजर आ रही है। सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अशोक गहलोत दिल्ली की परिक्रमा करके अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, राजस्थान को इन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया। अभी बाड़मेर जैसलमेर सहित 11 जिलों के अंदर जो टिड्डी का प्रकोप था उसमें 1,000 करोड़ से ज़्यादा फसलों का नुकसान हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने फूटी कौड़ी नहीं दी, मुख्यमंत्री वहाँ गए, इनके मंत्री गए, लेकिन जुमलेबाजी जरूर कर रहे हैं। कोई केंद्र का कह रहा है केंद्र देगी, कोई स्टेट की बात कर रहा है। मैंने केंद्र के मंत्रियों को भी लोकसभा के अंदर बोलते हुए कहा था कि केंद्र के जो हमारे तीनों मंत्री राजस्थान के, इनको भी टिड्डी प्रभावित इलाकों का दौरा करके और यहाँ से केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री है उनको साथ ले जाके ऑल पार्टी मीटिंग और NDA की मीटिंग के अंदर भी मैंने ये बात रखी कि दिल्ली को राजस्थान के किसान की ओर देखना चाहिए। राजस्थान पंजाब गुजरात बर्बाद हो गया, प्रधानमंत्री जी को विशेष पैकेज राजस्थान के किसानों को जारी करना चाहिए। और इस बात को मैंने एक दर्जन बार उठाया और फिर सत्र होगा फिर उठाऊंगा। और आज और कल में हम रणनीति बना रहे हैं कि जोधपुर के अंदर सरकार की नीतियों के विरोध के अंदर नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, किसान कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, जो RLP पार्टी के गठन से पहले जन आंदोलन के मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों को लेकर हम मुफ्त बिजली की बात करेंगे। बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा है कि फ्री बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। दिल्ली में अगर फ्री बिजली दे सकते हैं जहाँ बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो राजस्थान तो बिजली उत्पादन के अंदर बहुत आगे चला गया। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी जिस हिसाब से लग रही है उस हिसाब से आने वाले 5 साल में राजस्थान प्रमुख स्थान पर रहेगा, बिजली का निर्यात करेगा, बेचेगा बिजली। तो हमारी मांग रहेगी कि मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। और जो आपराधिक घटनाएं राजस्थान के अंदर घटित हो रही है, अपराध में राजस्थान 2 नंबर पे आ गया देश के अंदर, कई जगह 1 नंबर पे आ गया। महिला उत्पीड़न से लेके जो बलात्कार की घटनाएं, अलवर गैंगरेप वीडियो के बाद जो बलात्कार की घटनाएं घटी, और मुख्यमंत्री का मंत्रियों पे किसी तरह का नियंत्रण नहीं रहा, अधिकारी सरकार चला रहे, कई सुपर CM अशोक गहलोत के यहाँ पे हो गए, वैभव गहलोत अलग से मुख्यमंत्री है, एक वो अंदर एक OSD और CM बना हुआ है, एक दर्जन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पे। और वसुंधरा का बंगला खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बंगला खाली कराओ, उसके बावजूद अशोक गहलोत वसुंधरा का बंगला इसलिए खाली नहीं करा रहे हैं, मिला भगत का खेल है, पहले वसुंधरा ने गहलोत के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला और अब गहलोत वसुंधरा को बंगला देके और उसको वो पूरा करेंगे, भाई हम मिले जुले। इसको लेके RLP पार्टी विधानसभा के अंदर जल्दी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएगी, आवश्यकता पड़ी तो शिवलाइन फाटक पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। टिड्डी से राजस्थान के किसानों को जो नुकसान है उस मुआवजे के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन करने की हम रणनीति बना रहे हैं। आज कल के अंदर हम ऐलान करेंगे कि राजस्थान का किसान और जवान अकेला नहीं है, यहाँ सुध लेने वाला कोई नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आंदोलन कर रही है कांग्रेस सरकार के खिलाफ और कांग्रेस सरकार मौज कर रही है। RLP पार्टी किसान जवान की आवाज़ बनके तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान में खड़ा है। RLP की कार्यकारिणी का हमने गठन कर दिया, कुछ पदाधिकारियों के जिला अध्यक्षों के पद जो खाली है 2-3 दिन के अंदर उन पदों पर भी हम शीघ्र नियुक्तियाँ करेंगे और RLP पार्टी राजस्थान का तीसरा विकल्प, तीसरी ताकत के रूप में खड़ा होगा। RLP का नौजवान डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर और धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक हर गांव के अंदर RLP तैयार है। पंचायत चुनाव RLP मजबूती के साथ लड़ेगी, जब भी पंचायतों के चुनाव की घोषणा होगी उसके साथ ही हम भी हमारी पंचायत समिति वार्ड और जिला परिषद के जो वार्ड है उसके अंदर RLP राजस्थान के अंदर इलेक्शन लड़ेगी। महंगाई की आपने बात की, महंगाई की बात करें तो गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ है, केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा यह है, इस पर आप क्या कहना? देखिए, हर घर को पहली बार प्रधानमंत्री जी ने, देखो अच्छी योजनाएं जो केंद्र की होती है उसकी सब लोगों को तारीफ करनी चाहिए,
प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस प्रत्येक घर तक, उज्ज्वला योजना के अंदर बिजली प्रत्येक घर। मैं कह रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते, मेरे इलाके के अंदर एमएलए लेट से दुनिया भर की मैंने और योजनाओं से की हूँ, सर नागौर में बिजली लगाई थी, लेकिन कई ढाणियाँ ऐसी थी जो दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर थी। प्रधानमंत्री जी की जो उज्ज्वला योजना थी उसमें प्रत्येक ढाणी प्रत्येक घर तक बिजली पहुँच गई। अब हम गैस सिलेंडर महंगा है, उस पर गैस सिलेंडर, देखिए महंगाई पे काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली की सरकार के सामने हमने ये बात रखी, लोकसभा के अंदर भी, हनुमान बेनीवाल घटक दल है इसलिए बीजेपी के एमपी तो इस बात को उठाए कि नहीं उठाए, क्योंकि वो तो पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं पुरजोर तरीके से बात रोज उठाता हूँ कि महंगाई पे नियंत्रण होना चाहिए, आम आदमी को सस्ती दरों पे सारे वो उपलब्ध होने चाहिए जो रोजमर्रा की आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक घोषणा भी की कि महंगाई को काबू में करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार और किसानों की मजबूती, जिसमें संपूर्ण कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अक्षरश लागू करें। अगर वो अक्षरश लागू हो जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और यूथ को रोजगार, मैंने जब बजट अभिभाषण में बोलते हुए कहा था कि 683,000 पद जो केंद्र के अंदर खाली है उनको भी भरा जाए, ये भी जब हम आंदोलन होगा तो इन मुद्दों को भी हम साथ रखेंगे, उनमें तो हम डिमांड करेंगे और इसमें सरकार को घेरेंगे, राजस्थान सरकार को। जोधपुर से आंदोलन की शुरुआत करेंगे और पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन होगा, राजस्थान की सरकार को मजबूर करेंगे, इस तरह राजस्थान की जनता को अकेला नहीं छोड़ सकते। इस नागौर के अंदर जिस तरह एसपी ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, प्रत्येक थाने से जिस तरह बंदी उगाई और जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अशोक गहलोत को बीजेपी से डर नहीं है, हनुमान बेनीवाल से डर है, इसलिए सारा सारा करप्ट जो सिस्टम था ला के यहाँ नागौर के अंदर पटक दिया। लेकिन हमारे लोग मजबूत है, शीघ्र ही इनको भगाने का सिलसिला हम शुरू करेंगे और बदमाश जो भी अधिकारी है उनके काले मुंह करने का भी अभियान, जरूरत पड़ी तो आरएलपी के कार्यकर्ता चलाएंगे, उनको पटकेंगे और उनके मुंह काले करेंगे जो भ्रष्ट है, ये भी काम हम जल्दी चालू करवाएंगे। आपका अशोक गहलोत के खिलाफ आक्रामक रुख रहता है और भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, इसका क्या कारण है? भाजपा दिल्ली तो मैं गठबंधन में हूँ ना, हक की बात के लिए हनुमान बेनीवाल को जाना जाता है। मांग रहा हूँ, मैंने कहा 683,000 पद भरो, बीजेपी के एमपी ने थोड़ी कहा, मैंने कहा कर्जा माफ करो, टोल मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त देश, ये बात करी ना लोकसभा के अंदर, रोजगार की बात करी, बिजली मुफ्त बिजली की बात, मैं तमाम वो मुद्दे जिसको लेकर आरएलपी थी उसके साथ मैं खड़ा हूँ और उसको लेकर ही आंदोलन करूँगा। कुछ मामले दिल्ली के हैं, लेकिन अभी टिड्डी का जो मामला था मैंने केंद्र सरकार के सामने बात रखी, अध्ययन दल भी आया, लेकिन अभी तक जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी पैकेज घोषित कराने की पुरजोर तरीके से मांग करूँगा। 25 सांसद है राजस्थान के अंदर, आप सोच सकते हो कि राजस्थान की पैरवी दिल्ली में कौन कर रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान के हकों के लिए दिल्ली में कौन लड़ रहा है। जितनी भी राजस्थान की लंबित योजनाएं उन सबको, चाहे नॉर्थ ईस्ट केनाल से लेकर और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे यमुना का हो चाहे दूसरा हो, खेत के सिंचाई का पानी मिले, इसको लेकर प्रयास करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा मिले। और विशेष राज्य का दर्जा चूंकि देश में हो सकता है कि मोदी जी ये सारा विशेष राज्य का दर्जा का सिस्टम खत्म, हमने कहा आर्थिक पैकेज दो, इतना बड़ा आर्थिक पैकेज दो कि राजस्थान के अंदर अच्छी स्कूल, अच्छे अस्पताल और हर वो अच्छी सुविधा आम आदमी को मिले, गरीब आदमी को मिले, जिसका वो हकदार है आज़ादी के 70 साल बाद। हनुमान बेनीवाल उन तमाम मुद्दों को लेके प्रधानमंत्री जी से लगातार संपर्क के अंदर है और लोकसभा में मजबूत तरीके से किसान जवान की पैरवी कर रहा, पूरे राजस्थान की पैरवी कर रहा है और हर मुद्दे के लिए हर व्यक्ति को लड़ाई लड़ता हुआ आपको लोकसभा का नजर आ रहा, अब वापस सड़कों पर लड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और मेरे आरएलपी के तीनों विधायक मजबूती से राजस्थान की सरकार को विधानसभा के अंदर घेर रहे हैं।